बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से आम लोगों की मौत की खबर से सभी वाकिफ हैं। इसमें मृतक संख्या भी 72 हो चुकी है, लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस ने जिन 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उनमें से 3 तस्कर खुद ही अपनी जहरीली शराब के शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार सारण जिले में जहरीली शराब पीने से लोगों के मरने के मामले में मशरक थाना अध्यक्ष रितेश कुमार मिश्रा ने खुद अपने बयान से 14 दिसंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस प्राथमिकी में ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर 10 शराब तस्करों को अवैध तरीके से शराब बेचने का आरोपी पाया गया। इनमें से 3 शराब तस्कर खुद जहरीली शराब के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1 शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सारण एसपी संतोष कुमार ने जहरीली शराब कांड का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड सहित 5 सहयोगियों की गिरफ्तारी की बात कही है। इस कांड में मुख्य भूमिका होम्योपैथिक दवाओं द्वारा मुख्य सरगना राजेश सिंह के द्वारा होम्योपैथिक दवाओं से शराब बनाकर मशरक इसवापुर थाना क्षेत्रों में आपूर्ति की जाती थी। निशानदेही पर होम्योपैथिक दवाओं की 450 ml की 137 बोतलें बरामद की गई हैं। इनमें एक बोतल में 200 मिलीलीटर दवा बची हुई मिली है। होम्योपैथी दवाओं की खेप ट्रांसपोर्ट से फर्जी नाम पते पर मंगवाई जाती थी। जैसा कि हमारे एक मीडिया साथी ने पूछा था कांड के अनुसंधान के संदर्भ में, अभी जो बातें आप सभी को बताई गई ये पूर्ण रूप से साक्ष्य आधारित, तकनीकी आधारित एवं गुणवत्तापूर्ण प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन आधारित है। इसलिए इसमें हम लोगों ने उन्हीं तथ्यों को रखा है जो पूर्ण रूप से साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित है। इससे यह भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि विभिन्न खबरों में, विभिन्न तरह की अफवाहों में और विभिन्न तरहों से पिछले कुछ दिनों से ये बातें प्रोमिनेंटली लोगों ने लिखा है, कहा है कि थाने में रखे गए स्प्रिट से या शराब से इन चीज़ों को बनाया गया। मैं पूरी तरह से इसका खंडन ही भी करता हूं, साथ ही साथ आप सभी से यह भी आग्रह करता हूं कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर, जबकि लोगों का विश्वास इन चीज़ों से बहुत कुछ प्रभावित होता है, इन चीज़ों को बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी सत्यापन के, बिना किसी प्रूफ के इस तरह से विस्तारित नहीं करना चाहिए। और इस अनुसंधान से यह भी साबित हुआ कि वह पूरी तरह से अफवाह, बेबुनियाद और आधारहीन तथ्य था, जिसका पूरी तरह से पटाक्षेप होता है, खंडन होता है। धन्यवाद। जो जिस क्वांटिटी में आता है, जैसे हम लोगों ने जो ड्रग इंस्पेक्टर से जानकारी प्राप्त की उसके अनुसार 30 ml और 100 ml का ही बोतल जो है यहाँ पर अलाउड है, इस प्रदेश में अलाउड है, परंतु ये लोग 450 ml या अन्य जो है क्वांटिटी में भी इसको प्राप्त करते थे और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दवाई के नाम पर ये इसको प्राप्त कर रहे थे। नहीं, इसके पास कोई लाइसेंस था। नहीं, अभी तक के अनुसंधान में इस पर्टिकुलर कांड में किसी की अन्य की संलिप्तता दुकानदार के तौर पर नहीं आई है, परंतु हम लोगों को जो पूछताछ के दौरान जो तथ्य आए हैं उसका सत्यापन और उस पर हम लोग साक्ष्य संकलन चल रहा है। अगर और किसी की संलिप्तता आएगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये मान लिया जाए कि इसी से ही जहरीली शराब बनी थी, ये तो पूरी तरह से अनुसंधान आपके सामने है और अनुसंधान और तथ्यों के आधार और साक्ष्यों के आधार पर ही हमने ये बातें आपके सामने रखी। सर, राजेश सिंह का नेटवर्क केवल उसी क्षेत्र में था कि इस क्षेत्र में भी पूरे जिला में ये अपना नेटवर्क फैलाए हुए हैं, जैसे शराब वगैरह का बहुत बड़े 5 ब्लॉक में ये शराब वितरित? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, देखिए, इसका नेटवर्क जैसा मैंने बताया कि नेटवर्क ये पहले स्प्रिट में काम करता था और जैसे इसको अपने हुनर पर इसको विश्वास हुआ, जो भी हुआ, इसको लगा कि इस चीज़ को अब ये होम्योपैथिक दवा से भी कर सकता है, तो जो स्प्रिट बेचने वाला चेन था, सप्लाई चेन था, उसमें ये होम्योपैथी दवा से बनाया हुआ अपना मिलावटी शराब को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसी नेटवर्क का ये उपयोग करता है। ये जो डोयला से बरामदगी हुई इसवापुर थाना से, कैसे इतना बड़ा कंसाइनमेंट आ गया? जब ये खुद डॉक्टर है ना, कुछ इसके पास लाइसेंस है, कैसे इतना बड़ा कंसाइनमेंट आ गया? कंसाइनमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आता है, ठीक है, और उसके बैकवर्ड लिंकेजेस पर कि आखिर वो ट्रांसपोर्ट जिसके माध्यम से आया है वो किस आधार पर और किसके नाम से बिना वेरीफाई किए, जैसा कि मैंने बताया कि फर्जी नाम पता डाल करके भी लाता है, तो उन चीजों का भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और इसमें पीछे हम लोग बैकवर्ड लिंकेजेस पर काम कर रहे हैं।